हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने सेकंड ईयर किया हुआ है या आपने बैचलर्स की डिग्री की हुई है, तो लास्ट टाइम मैंने एक स्कॉलरशिप के बारे में बताया था, लाजियो स्कॉलरशिप, जो कमिंग वीक में वो ओपन हो रहा है, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है उस पर मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ कि आप लोगों ने एडमिशन कैसे लेना है या आप लोगों ने स्कॉलरशिप अप्लाई कैसे करना है। आज की वीडियो जॉब्स एंड माल्टा। माल्टा एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ पर आप लोग जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं। लास्ट टाइम एक पाकिस्तानी स्टूडेंट हमजा भाई ने मेरे साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो माल्टा कंट्री गए थे, वहाँ पर 2 वीक्स उन्होंने गुजारे थे, पर वीक उनको 300 यूरोज मिल रहे थे। वो एक बार में काम करते थे और कुछ 8 आवर्स या 9 आवर्स की पर डे ड्यूटी थी उनकी। तो फिर कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए कि भाई जॉब हम अपने कंट्री से कैसे ढूंढ सकते हैं माल्टा कंट्री में, तो उस पर ही आज बात होगी कि आप लोगों ने कंट्री में कैसे जॉब ढूंढना है और कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है या आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कौन से साइट से अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं वर्क परमिट की बात करूं, एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि भाई मुझे माल्टा में वर्क परमिट कैसे मिलेगा, तो वर्क परमिट के लिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेगा, आपने कंपनी के साथ रब्ता करना है, किसी होटल के साथ आपने रब्ता करना है, जहाँ पर भी आपने अप्लाई करना है अपनी स्किल्स देख के, अपनी डिग्री देख के, अपना एक्सपीरियंस देख के, और आपने वहाँ पर अप्लाई करना है, फिर वो लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे और उसी से आपका वर्क परमिट आपको इशू होगा। तो वर्क परमिट और अभी जॉब सर्च आपने कैसे करनी है, तो मैं 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब 3 स्टेप्स में बताऊंगा, 3 साइट्स में बताऊंगा, वहां पर आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं, वहां पर आप अपने लिए इंग्लिश जॉब ढूंढ सकते हैं, मतलब आपको थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी आती हो तो आप अपने लिए आसानी से जॉब ढूंढ सकते हो। नंबर 1 जॉब्स प्लस, ये एक फेमस साइट है, यहाँ पर आप लोग अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किचन की जॉब, किचन क्लीनर की जॉब भी अवेलेबल है, इस तरह और भी बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। तो इस साइट में जस्ट आप लोगों ने कंट्री पोर्ट करके और आप लोगों ने अपना जॉब पोर्ट करके कि आपने कौन सा जॉब ढूंढना है, तो ये आपके सामने पूरा पेज आपके सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि जब भी कोई बंदा आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट सेंड करता है किसी कंपनी से या किसी भी तरीके से, तो आपने वो वेरीफाई करना मत भूलिए, क्योंकि अक्सर लोग आपसे पैसे लेके आपको कोई भी एक पेज दे देता है, कंप्यूटर से वो एडिट करके आपको दे देता है। तो इससे बचने के लिए आपको वो वेरीफाई करना, उसी कंपनी को आपने ईमेल करना है, उसी कंपनी को आपको कॉल करना है, इसके बाद आपने पैसे देने हैं। सेकेंड नंबर पे जो बहुत फेमस साइट है यूरेस, ये यूरोप यूनियन का एक ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप पूरे यूरोप में अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। ये कंट्री में आप लोग माल्टा लिख के यहाँ पर आप लोग अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। ये देखो, ये आपके सामने पेज आ जाएगा, यहाँ पर 616 वैकेंसीज अभी अवेलेबल है, हर टाइप के वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप अपने लिए अपने फील्ड के लिहाज से, अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से आप अपने लिए यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हो। 3rd नंबर पे जो बहुत फेमस साइट है यहाँ पर जॉब्स इन माल्टा, इसकी बारी आती है क्योंकि यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स भी अवेलेबल है और फुल टाइम जॉब्स भी अवेलेबल है, और कि ये आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक सिंपल ऐप है, यहाँ पर आप लोग ढूंढ सकते हैं कि आपने कौन सा जॉब करना है अपने मोबाइल में, जस्ट ऐप डाउनलोड करके यहाँ पर सर्च करें। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग इंजीनियर का भी जॉब मिल सकता है, टेक्नीशियन का भी जॉब मिल सकता है, कोई आम लेबर और जॉब भी आपको मिल सकता है। अगर आपने कोई डिग्री की है तो उसी के मुताबिक भी आपको जॉब मिल सकता है। सबसे पहले आपने कंपनी के साथ रब्ता करना है, अगर आप उस फील्ड के लिए सेलेक्ट हो गए तो कंपनी ने आपको आगे फिर डॉक्यूमेंटेशन भेजना है। इन 3 साइट्स पे आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं, अपने लिए एक जबरदस्त मोटिवेशनल लेटर लिख देना कि हाँ भाई मैं इस जॉब के लिए क्यों आना चाहता हूँ, एक कवर लेटर अपने लिए लिख देना, और आपके पास एक सीवी होनी चाहिए। सीवी मैं बार बार यही रिकमेंड करता हूँ, इस पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि आपकी सीवी यूरोपास फॉर्मेट में होनी चाहिए। वहां पर आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी लिख लेना, अपने स्किल्स भी लिख लेना, अपनी डिग्री भी लिख लेना, और अपना ईमेल और मोबाइल नंबर गलत ना लिखे, क्योंकि वो कंपनी या वो इंस्टीट्यूट आपको उसी के जरिए से आपसे रब्ता करेंगे। आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हो, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपने दुआओं में याद रखना।